और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। डेमन स्लेयर सीजन 3 का 5th एपिसोड फाइनली आ चुका है, यानी कि हाफ सीजन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीक का एपिसोड बिल्कुल जहां पर खत्म हुआ था वहीं से ये वीक का एपिसोड पिक ऑफ करता है, यानी कि मिस्ड हाशिरा फाइनली ये वीक के एपिसोड में मेन बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, काइंड ऑफ मतलब एक तरीके से हुआ भी और एक तरीके से नहीं भी हुआ। मैं कहूंगा तो नहीं क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वो एक मेजर स्पॉइलर हो जाएगा ये एपिसोड का। तो आप जाकर ये एपिसोड देख ले, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये एपिसोड देखने के बाद भी मैं वही बात पर कायम रहता हूँ कि शायद इन्होंने एंटागनिस्ट को बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया ये सीजन में, या इंट्रोड्यूस नहीं, ये कहूंगा कि जो मेन बैटल है वो बहुत ही जल्दी शुरू कर दी। अगर वो एक और एपिसोड वेट कर देते जो 4th एपिसोड में शुरू होता, अगर वो 5th एपिसोड में मेन बैटल को शुरू करते और जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे उनको अभी और टाइम मिलता डेवलप होने का, तो शायद बेहतर होता। खैर वो हुआ तो नहीं। ये एपिसोड देखने के बाद भी मुझे यही लग रहा है कि स्टोरी अभी भी बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस है। अब तो मेन बैटल पर आ गए हैं तो स्टोरी का उतना एस्पेक्ट बाकी नहीं है, अब तो सिर्फ फाइट सीन्स देखने का है हमें। मिस्ड हाशिरा है जो अपर रैंक 4 है, अपर रैंक 5 है, उनके बीच में जो अब बैटल शुरू हुई है कितने लंबे टाइम तक चलेगी, कितने एपिसोड तक वो खींचेगी, अपर रैंक 4 और तांजिरो गेनिया जो नेज़ुको है उनके बीच में जो बैटल चलेगी वो कितनी लंबी चलेगी। बिल्कुल एपिसोड के एंड पे एक ट्विस्ट दिया है जो मैं नहीं कहूंगा, वो भी बहुत ही ज्यादा हुकिंग पॉइंट है, मीनिंग अब कैसे अभी नेक्स्ट एपिसोड देखोगे। हाँ रश तो है पर अभी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एस्पेक्ट्स हैं स्टोरी के जिसकी वजह से आप अभी भी कंटिन्यू करेंगे देखेंगे। अगर फाइट सीन्स के बारे में बात करते हैं ये एपिसोड के, तो बस यही कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, इतने ज्यादा हाइप अप फाइट सीन्स थे। दो पॉइंट्स फाइट सीन्स में जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, पहला पॉइंट जो मिस हाशिरा रिमेम्बर करता है कि उसने कहीं पास पे अपर रैंक 5 को मिला है या कोई बहुत ही ज्यादा सिमिलर अपर रैंक 5 से उनसे मिला है, और सेकंड पॉइंट जो कि सबको पता है तांजिरो ने जो अटैक किया था अपर रैंक 4 को। इससे हटकर बाकी पूरा जो एपिसोड था वो बहुत ही ज्यादा बेसिक एपिसोड था, मीनिंग ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फाइट सीन में बस यही दो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखने वाले थे, ज्यादा डेवलपमेंट कुछ कैरेक्टर्स का हुआ नहीं, हमने कुछ बहुत ज्यादा चीजें देखी नहीं। और अगर एक और पॉइंट के बारे में बात करूं एपिसोड में, तो वो जो लव हाशिरा है उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है अब मेन बैटल में, स्टोरी अब डेवलप हो गई, शायद यही पॉइंट पर आए कि पूरे जितने भी मेन कैरेक्टर्स है, प्रोटैगनिस्ट और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, वो मिलकर एंटागनिस्ट के खिलाफ अपने अटैक्स लॉन्च करे और फिर शायद डिफीट कर पाए जो एंटागनिस्ट है उनको। इसके आगे ये एपिसोड के बारे में और कुछ कहूंगा नहीं। हाँ हाफ सीजन नियरली कंप्लीट हो गया डेमन स्लेयर स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क का और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर रुका है। अगर आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।